जो आपने बात की है कि ऐसी कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी जो इस जिनका रूल्स ये हो, देखोगे भी नहीं आप, ठीक है ना। इसलिए इस वक्त तो ये कदम कहते यार जितना लगता है ना दौलत को लगाओ। वो एक पंजाबी की कहावत मुझे किसी ने सुनाई, उसने कहा इंग्लिश दी दी ते उर्दू दा दा, जिथे लगे उथे ला। ये 100% इंग्लिश दी दी ते उर्दू दा दा, जिथे लगे उथे ला। तो बात ये कि यार ऐसा करने से फॉर द टाइमिंग आप किसी को बेवकूफ भी बना लेते हो, फायदा भी उठा लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, ठीक है। लेकिन इन द लॉन्ग रन फिर क्या होता है, फिर बुरा ब्रेक है, बुरा ब्रेक है। तो इसलिए बोनस एक्सपायरी लीकेज ब्रेकेज बेटर टाइमली सेटल कर लो। कोई चीज़ फंसी हुई बार बार रिमाइंडर दो, बार बार याद कराओ, ये आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई, यही मैंने बताना था। फॉर्मेट के ऊपर बनाओ, अलहदा से पेपरों पे ना बनाओ। फॉर्मेट अगर नहीं है, शहजाद साहब बैठे हुए इनसे मांगो और उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया हुआ है। नए लड़कों के लिए बता रहा हूँ कि फॉर्मेट में बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर आपका बनाया है वही स्टैंप लगाए, वही साइन करे। आपकी अप्रूवल चाहिए, आपकी अप्रूवल सी वो दे रहा है ना, तो स्टॉक तो उसका गया है, बनाना उसको चाहिए, बनाते आप अपने घर में जाके। क्यों भाई दारुला क्यों, नहीं सही बात है। आप हर दफा ऐसी करते, फिर वो फॉर्मेट मतलब इतना यार रफ, इतनी बुरी हालत में कि वो पता ही नहीं चलता कि किस कंपनी का, कंपनी का नाम तक मिटा हुआ। तो यार ऐसे ना करो, इनसे शहजाद साहब से मांगो, इनसे कहो जी आप हमें नए दे दो, आप नए बनवा के मेरे से पूछ के सबको दे दो। इसी तरह एक्सपेंस है, वो पता ही नहीं चलता किस कंपनी के बोझ के एक्सपेंस यहाँ बना के लिया, कंपनी का नाम भी मिटा हुआ, कुछ नहीं तो हद ही कर दिया। वो पता चलता जब कंपनी बनी थी शायद उस जमाने का बना हुआ, तो वो नए बनवा, नए बना के, ठीक है। तो फॉर्मेट पे बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाए, बना के वो साइन स्टैम्प करे, वो क्लेम बनाएगा, आप सिर्फ उसको अप्रूव करो। हाँ हेल्प कर सकते हो आप, उसे नहीं बनाना आता रिटेल पे, उसे नहीं बता, आप हेल्प कर दो, बिल्कुल कर दो, आप उसके सामने बैठ के बना दो। लेकिन उसके सामने बनाओ, वही अप्रूव, वही सारा साइन स्टैम्प करेगा, साइन आप करो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? Yes, तो बस अब इसके बाद अगला स्टेप हम करते हैं, बस यहाँ पे वो कर देना है।